मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वील बी टीच विकास मैथ्स मैजिक वर्क बुक स्टैंडर्ड टू। हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, माय फंडे। उसमें मैंने आपको ये पेज कंप्लीट करवाया था, ओके। ये पेज मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, 8 डेट को मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपने किया होगा। उसके बाद उसके वीडियो में मैंने ये वाला आपको करवाया था, ये मैंने आपको नोटबुक में लिखने के लिए कहा था। जिसका बाकी हो वो फिर से ये वीडियो को देखना और नोटबुक में इसको लिखना। आपको 2 सर्कल बनाने हैं, एक विक्रम संवत, एक क्रिश्चियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, ओके। आपको ऐसे 2 सर्कल बनाने के हैं और उसमें जैसे ही वर्कबुक में दिया हुआ है नंबर डाल के वैसे आपको देख देख के लिखना है। आपको ये 4 दिया हुआ है, यहाँ पे जो हेडिंग दी हुई है वो लिखना है, 2 सर्कल बनाने हैं। उस यहाँ तक मैंने आपको करवाया था इसके पहले कि 15 डेट के वीडियो में। आज की डेट में मैं आपको बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत, फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर कार्तक, फर्स्ट मंथ कार्तक एंड द सेकेंड मंथ ऑफ मार्कसर, द थर्ड मंथ ऑफ ईयर पोष। तो अब उसके आगे का हमको लिखना है, हमको डैश डैश दी हुई है। फर्स्ट कार्तक, मार्कसर, पोष, माह, फागन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो, ठीक है। ये विक्रम संवत है, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये आपको डैश दी हुई है, आपको लिखना है। यहाँ पे हमको फर्स्ट कार्तक दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है मार्कसर, थर्ड दिया हुआ है पोष, फोर्थ माह, फागन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवो। ये हमारे हो गए 12 मंथ ही ना, किसके हो गए? विक्रम संवत के। अब क्रिश्चियन कैलेंडर के आपको सबको आते हैं, विक्रम संवत को आप जल्दी नहीं आपको सीख पाते हो आप, क्योंकि ये हमको जल्दी से हमारे बुक में नहीं आता। पर क्रिश्चियन कैलेंडर तो हमको हमारी बुक में आता है, वो हमको लर्न भी है सबको। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज फेब्रुवरी, द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर मार्च, फिर आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड द 12th मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर। ये हमारा क्या फिनिश हुआ यहाँ पे? क्रिश्चियन कैलेंडर, ओके, ठीक है। फिर से मैं बताती हूँ आपको, क्रिश्चियन कैलेंडर में हमको यहाँ पे दिया हुआ जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 12th मंथ दिसंबर, ओके। उसके बाद यहाँ पे मंथ दिया हुआ है हमको, सीज़न दी हुई है और व्हाट हैपन, वो सीज़न में क्या होता है वो दिया हुआ है। तो कार्तक, मार्कसर, पोष, माह, ये क्या है? विंटर सीजन में आते हैं। ये चारों किस में आते हैं? विंटर सीजन में, ठीक है। और वो विंटर सीजन को क्या बोलेंगे? इट इज़ अ कोल्ड सीजन। विंटर सीजन कैसी होती है? ठंडिक सीजन, ठंडा होता है, उसमें कोल्ड होता है। तो उसमें कौन कौन से 4 मंथ आते हैं? 4 मंथ, कार्तक, मार्कसर, पोष, माह, वो विंटर में आते हैं, ओके। उसके बाद समर में कौन कौन आते हैं? फागन, चैत्र, वैशाख, जेठ। तो इट इज़ अ हॉट सीजन, वो कैसी है? गर्मी वाली सीजन, समर। समर में क्या आता है? फागन, चैत्र, वैशाख, जेठ और छेले जो लास्ट बचते हैं फोरुस, वो आषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो, वो किसमें आता है? मॉनसून। इट इज़ अ रेनी सीजन, वो कौन सी सीजन होती है? बरसात की सीजन होती है, ओके। विंटर सीजन में आपको क्वेश्चन आएगा कि विंटर सीजन में कौन कौन से मंथ आते हैं, तो आपको याद रखना है कार्तक, मार्कसर, पोष, माह, वो कहाँ पे आते हैं? विंटर सीजन में। और वो कैसे सीजन होती है? कोल्ड सीजन होती है। समर, समर में कौन से 4 मंथ आते हैं? फागन, चैत्र, वैशाख, जेठ आता है, वो कैसी सीजन होती है? हॉट सीजन होती है, ओके। मॉनसून, तो आषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसव, वो कौन सी सीजन है? रेनी सीजन, समझ रहे? रेनी सीजन, रेन होती है उसमें, ओके। राइट द नेम ऑफ मंथ ऑफ विक्रम संवत ईयर इन ऑर्डर। यहाँ पे विक्रम संवत में हमको लिखना है 12 मंथ कौन कौन से, 1 by 1 लाइन से लिखना है कि कार्तक के बाद क्या आता है, सेकेंड मंथ कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है, सिक्स कौन सा है। हमको नंबर वाइज यहाँ पे नंबर डाल के दी हुए, हमको खाली देख देख के
लिखना है, ठीक है। कार्तक, माक्षर, पोष, माह, फागन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवो एंड आसो, ये विक्रम संवत के 12 मंथ है, हमको एग्जाम में आएगा। मैं आपको इस तरह से हेडिंग दूंगी कि राइट द नेम ऑफ द विक्रम संवत ईयर और वहाँ पे नंबर डालूंगी, तो आपको अपने आप लर्न होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कार्तक के बाद क्या आता है, माक्षर के बाद क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम देखेंगे, कार्तक, माक्षर, पोष, माह, फागन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो, ओके। राइट द नेम ऑफ मंथ किचन कैलेंडर, किचन कैलेंडर में क्या क्या आता है, तो जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ओके चिल्ड्रन। क्रिश्चियन कैलेंडर में आपको सबको आता है जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये हमारा क्या हो गया क्रिश्चियन कैलेंडर। उसके बाद नीचे क्वेश्चन आंसर हमको दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ आर देयर इन अ ईयर, ए वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो विक्रम संवत में भी 12 होते हैं, क्रिश्चियन कैलेंडर में भी 12 होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 12। विच इज द एट मंथ इन विक्रम संवत, एट मंथ कौन सा है, तो हम एट नंबर पे देखेंगे जेठ, तो यहाँ पे लिखेंगे जेठ। विच मंथ जग सक्सेडिंग मंथ ऑफ फागन, फागन के बाद क्या रहा सक्सेडिंग, तो क्या आएगा चैत्र, तो यहाँ हमने लिखा है मैंने चैत्र। विच मंथ जस्ट प्रिसीडिंग मंथ ऑफ वैसाख, वैसाख के पहले क्या आ रहा है चैत्र आ रहा है, उसमें भी चैत्र आएगा, ओके। विच द 11th मंथ ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर, 11th मंथ कौन सा है नवंबर। विच मंथ जस्ट प्रिसीडिंग मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के पहले क्या आएगा सेप्टेम्बर, ओके। उसके बाद विच मंथ द सक्सेडिंग मंथ ऑफ मई, मई के बाद जून। विच द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग द क्रिश्चियन कैलेंडर, लास्ट मंथ कौन सा है क्रिश्चियन कैलेंडर का दिसंबर, ओके। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द जस्ट प्रिसीडिंग एंड द सक्सेडिंग, यहाँ पे बीच का हमको दिया हुआ है, उसके आगे क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा, वो आपको लिखना है। आपको क्रिश्चियन कैलेंडर और विक्रम संवत कैलेंडर हमको आगे हमने दिया हुआ है, आपको उसके से देख देख के आपको लिखना है कि श्रावण के पहले क्या आता है और श्रावण के बाद क्या आता है। मैं आपको करके बताती हूँ, श्रावण के पहले आता है आषाढ़ और श्रावण के बाद क्या आता है भादरवो, ये मैंने आपको एक बता दिया है, इसी तरह से आपको यहाँ तक पूरा करने का है, ओके ओके चिल्ड्रन। ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं इसके आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ मैं इतना ही होमवर्क करने के लिए दे रही हूँ, ये आपको अपने आप करना है। जिसको समझ में नहीं आता है वो आगे दिया हुआ है क्रिश्चियन कैलेंडर विक्रम संवत कैलेंडर, उसमें से देख के करेंगे, ओके चिल्ड्रन। समझ में आ गया, फागन के पहले क्या आता है, तो फागन के पहले माँ और फागन के बाद चैत्र, इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक आपको होमवर्क है, ये आगे के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, ओके। उस देख लीजिए आज मैंने आपको क्या क्या बताया है, मैंने आपको बताया है जो हमको यहाँ मिसिंग दिया हुआ था विक्रम संवत कैलेंडर में, जो हमको मिसिंग दिया हुआ वो मैंने लिखा, ओके, और मैंने आपको समझाया। उसके बाद क्रिश्चियन कैलेंडर में जो मिसिंग दिया था वो मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पे मंथ, सीजन और व्हाट हैपन दिया हुआ है वो मैंने आपको समझाया कि विंटर में कौन से 4 सीजन होते हैं, समर में कौन से 4 सीजन होते हैं, मानसून में कौन से 4 सीजन आते हैं, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे 12 मंथ विक्रम संवत के लिखने हैं वो लिखे, उसके बाद आपको क्रिश्चियन कैलेंडर के 12 मंथ लिखने हैं वो लिखे, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाया और वो आपको लिखना है, वर्कबुक में कंप्लीट करना है, देख लीजिए अच्छी तरह से, ओके चिल्ड्रन। आपको ये लिखना है और रीड करना है, और जिसको विक्रम संवत कैलेंडर नहीं आता वो उसको लर्न करेगा। क्रिश्चियन कैलेंडर तो आपको आता ही होगा, पर विक्रम संवत कैलेंडर आपको फर्स्ट टाइम आया है तो आपको वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको आएगा, ओके चिल्ड्रन। विक्रम संवत कैलेंडर आपको ड्रॉ करके लिखना है, उसको लर्न करना है, रीड करना है, ओके। ये एग्जाम में आएगा, जो सेम टू की एग्जाम आएगी उसमें ही आएगा, ओके चिल्ड्रन। आपको आज के वीडियो में मैं इतना ही करवा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करवाऊंगी। 9 नंबर तक चैप्टर, 9 क्वेश्चन तक आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है चिल्ड्रन।
आपका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर तक आपको मैंने एच डब्ल्यू दिया है, सिर्फ 9 ही मैंने आपको एच डब्ल्यू दिया, 8 तक तो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का एक चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू चिल्ड्रन।